अच्छा बोलो, कैसा रिश्ता होना तुम ना, क्या काम करती तुम्हें? मैं कफन का काम करता हूँ आंटी। कफन का? हाँ कफन का, पूरा मतलब एंड टू एंड, एक चीज की कमी नहीं रखता हूँ। पूरे मेरे दुकान पे है तो हर चीज मिल जाता है आपको, कोई और दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है बिजनेस, कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं है। लोग आते लोग जाते, अपना धंधा चल रहा है। रिसेंटली में तो घर भी बना लिया मैं, मस्त 2 मंजिला। कफन बेच बेच को? हाँ, जरा बीच में जरा ज्यादा हो गए थे ना आंटी, तो जो भी है धंधा चलते रहता। अच्छा तुम्हारे अब्बू क्या करती? वालिद साहब हमारे खबर खोदते हैं, ये फर्स्ट लैंसर, ये कब्रस्तान में जितने खबर आए हमारे वालिद साहब या उनके नीचे बच्चे, सुपरवाइजर पोजीशन पे हो ना, पर उन्हें खोदते पूरे। और तुम्हारे अम्मी, ये उन्हों भी है बिजनेस में ही क्या? उन्हों हाउसवाइफ है, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसा घर पे जरा फूलों के माला बनाते हैं उन्हों, जो खबर के ऊपर डालते हैं। तुम्हारा पूरा खानदान यही बिजनेस करता क्या बा? हाँ तकरीबन पूरे चाचा लोग भी दूसरे कब्रस्तान में यही छे, बट डिवाइड कर लिए। हमारे चाचा लोग हमारे साइड नहीं आते, हम उनके साइड नहीं जाते, लड़ाई वगैरह कुछ नहीं है, बहुत खुशी से अच्छा खानदान है अपना। ऐसा रिश्ता कौन देगा लड़की ऐसा काम को? आप देखिए ना आंटी, कोई भी लड़की को देखिए ना आंटी, आप लड़की है तो बस से आंटी, जरा पढ़ी लिखी है तो अच्छा है, वो पत्थर के ऊपर वो साल और नाम लिखने आया तो अच्छा है, रोती अच्छा तो रुदाली का काम भी आता रहता, प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो ना ऐसे डिमांड ना छोकरी को लेकर तुम ना, वो भी ही उन्हें भी एक काम करना। अरे नहीं आंटी ऐसा डिमांड नहीं है, उन्हें करना चाहिए तो करने दो।